मेरी मनोकामना पूरी होगी, इसलिए बेटा मांगा था बेटा मिल गया। सबके झोलियां भरी है तो इस बार राधा रानी मेरी भी झोली भर दे। मौसी की बेटी है उनको भी बेटा हुआ। ऐसे बहुत से लोग छोटे नवजात बच्चे लेके आए जिन्होंने पिछले वर्ष डुबकी लगाई, उनके घर में संतान हुई, तो वो राधा रानी का आभार व्यक्त करने आए। राधा रानी ने भी खेलते खेलते अपने हाथ का जो कंगन होता है उस कंगन को पृथ्वी पर मारा, उससे खोद के राधा कुंड को प्रकट किया। स्वयं श्री कृष्ण ने इस राधा कुंड में स्नान किया। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। अनेकों अनेक भक्त गोवर्धन स्थित राधा कुंड में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। हम इस वक्त हैं राधा कुंड में। आप देखेंगे अनेकों अनेक भक्त संतान की प्राप्ति के लिए रात्रि 12 बजे से आस्था की यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं और सबको विश्वास है कि राधा रानी उन पर कृपा बरसाएगी और उन्हें संतान की प्राप्ति करेगी। हमारे साथ यहाँ पर भक्त हैं जिन्होंने डुबकी लगाई, उनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? पन्ना विश्वनाथ लोहिया। कहाँ से आप आई हैं? आगरा से आए हैं। आपने यहाँ पर डुबकी लगाई, रात के 1 बज रहे हैं, क्या मांगा राधा रानी से? राधा रानी से हमने अपनी वो आशा पूर्ण करने की विनती की है जो हम बहुत सालों से, जिसके लिए हम ये मान लीजिए परेशान थे, बहुत दुखी थे, तो उस विश्वास के साथ आए राधा रानी से मांगने के लिए। और पूर्ण है कि राधा रानी इस बार हमारी सुनेंगी, और पहली बार आए तो हम पहली बार में निराश होकर नहीं जाना चाहते। जब आप यहाँ पर पेठा चढ़ा रही थी तो बहुत भावुक हो रही थी, ऐसा क्यों? ऐसा बस वही है कि देखिए सब अपने जीवन में, जब तक जब शादी हो जाती है तो हर दंपत्य जीवन में ये होता है कि हमारे बीच में भी एक ऐसा आ जाए जिसके साथ हम अपना जीवन, मतलब अपना बचपन बीत सके, तो बस उसी चीज को देख के थोड़ा सा भावुक हो गया कि सबकी झोलियाँ भरी है तो इस बार राधा रानी मेरी भी झोली भर दे, और सबकी सुनी है तो मेरी भी इस बार मैं भी बन जाऊँ कि हाँ राधा रानी पूर्ण करती है। वो राधा रानी पे पूरा विश्वास है जो आपकी झोली भरेंगी अगली बार जब आएंगी तो यहाँ पर आप संतान लेकर आएंगी? बिल्कुल, मैं पूर्ण विश्वास के साथ ही आई हूँ, वरना बहुत साले हो गए शादी को, 8 साल हो चुकी है मैं बताऊँ तो अब 8 सालों में अगर राधा रानी मुझे अपने पास बुलाया तो पक्का मेरी विश्वास है वो पूर्ण करेंगी ही मेरी आशा को। कैसे विश्वास बढ़ा राधा रानी के प्रति? हमें किसी ने बताया था, उन्होंने मतलब एक घटना थी किसी के साथ सच हुई है तो उन्होंने हमें बताया, तो हम उसी विश्वास के साथ है, जब उनकी आशा पूर्ण हुई तो हमारी भी आशा पूर्ण करेंगी राधा रानी। बताइए आप भी अपनी पत्नी के साथ आपने डुबकी लगाई है, आपको राधा रानी पे पूरा विश्वास है? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। अपनी हिंदू धर्म में और आस्था ना हो तो ये तो हमारा हिंदू धर्म होना, मतलब हिंदू होना ही बेकार है। और यहाँ पे सभी की मनोकामना पूर्ण करती है राधा रानी और हमारी भी करेंगी, उस आस्था के साथ हम भी आए। जब आपकी इच्छा पूरी कर देंगी राधा रानी तो राधा रानी को क्या देंगे आप? जो राधा रानी मुझसे ले लेंगी मैं दे दूंगी, बस मैं अपनी संतान नहीं दूंगी, वो मैं उनसे लेके ही रहूंगी। विश्वास है देंगी? मैं दूंगी। आपकी शादी को 8 साल हो गए, समाज भी कुछ कहता है ऐसा लगता है कभी? कहने वाले कहते हैं और जो चीज सुननी चाहिए उनको सुनती हूँ, बाकी राधा रानी को सब कुछ पता है उनको कि मुझे किसने क्या कहा है, किसने किस तरीके की बातें बोली है, उन्हें सब पता है, तो अब वो मुझे सुनने नहीं देंगी, जितना सुनना था सुन चुकी हूँ। किलकारियां गूंजेंगी आपके? बिल्कुल अब गूंजेंगी, ये विश्वास है मेरा। राधा रानी की जय। श्री राधे। राधे राधे। देखिए ये भक्त जो आगरा से यहाँ पर आए हैं उनको पूरा विश्वास है कि राधा रानी इन पर कृपा बरसाएंगी। और भी भक्त हैं, आइए उनसे बात करेंगे, चलते हैं आगे। बोलिए राधा रानी की जय। और आपको दिखाऊं कि कितना सुंदर पूरा जो राधा कुंड है वो सजाया गया है, और ये जो आप राधा कुंड देख रहे हैं वो राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा था। और राधा रानी ने कहा जो भी भक्त यहाँ पर डुबकी लगाएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, संतान की प्राप्ति होगी। तो उसी भाव के साथ आप देखेंगे अनेक अनेक भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और पूरा विश्वास है उनको कि राधा रानी उन पर कृपा बरसाएगी। और देखिए और भी यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, उनको पूरा विश्वास है कि राधा रानी जो है उन पर कृपा बरसाएगी और उनको संतान की प्राप्ति देगी। और हमारे साथ यहाँ पर नंदगांव के गोस्वामी हैं, उनसे बात करेंगे और यहाँ की कथा के बारे में जानेंगे। सुशील गोस्वामी जी, राधे राधे।
राधे राधे बोल, राधा रानी की जय। देखो आज आप दर्शन कर रहे हैं, ये राधा कुंड है जो भगवान श्री कृष्ण के भी जो इष्ट है गोवर्धन गिरिराज जी महाराज, उनकी जो तलेटी है गिरिराज जी की सात कोस की, उसी में एक छोर पर ये राधा कुंड है। राधा कुंड की स्थापना के बारे में, इसके प्रकट के बारे में गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। क्या भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए कंस ने एक अरिष्टासुर दैत्य को भेजा था जो कि गाय के बछड़े का रूप रख के भगवान कृष्ण के गोष्ठ में आ गया, और कृष्ण यहाँ पर गाय चारण कर रहे थे तो उन्हीं के बीच में बछड़े के रूप में था, तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए उसने जब प्रहार किया तो कृष्ण समझ गए कि ये कोई दैत्य है, तो भगवान ने उसका खेल खेल में उसका वध कर दिया। ये बात जब राधा रानी को पता चली तो राधा रानी बहुत बड़ी गौ भक्त थी, तो राधा रानी ने कहा कि आपने एक गौ वंश की हत्या की है तो गौ हत्या का पाप लगा है, आपको तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो सनातन धर्म की एक बड़ी विशेषता है कि भले ही भगवान क्यों ना हो, जो पुण्य पाप है वो भगवान को भी उस दायरे में लाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने बछड़े को नहीं मारा है, दैत्य को मारा है। तो राधा रानी ने कहा भले ही दैत्य है लेकिन गाय के स्वरूप में, गाय के वंश के स्वरूप में। तो फिर भगवान कृष्ण कहा क्या करें, तुम्हें आपको तीर्थों में स्नान करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने वहीं अपनी बांसुरी से कुंड खोदा जो कि यहाँ राधा कुंड के बराबर में है, कृष्ण कुंड, श्याम कुंड। अब श्याम कुंड में भगवान ने सभी तीर्थों का आह्वान किया और सब तीर्थ उसमें आ गए और सब ग्वाल वाल स्नान करने लगे। तो राधा रानी की सखियां बड़ी चतुर थी, ललिता जी, वो बोली कि जब सारे लोग इस कृष्ण कुंड में स्नान करेंगे तो इनकी महिमा बढ़ेगी, आपकी महिमा गौण हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो सखियों का राधा रानी का पक्का करना था, तो राधा रानी से विनती की आप भी कुछ ऐसा करें। तो राधा रानी ने भी खेलते खेलते अपने हाथ का जो कंगन होता है उस कंगन को पृथ्वी पर मारा, उससे खोद के राधा कुंड को प्रकट किया। तो उस राधा कुंड के मध्य में कंकड़ कुंड है, और जब कंकड़ कुंड बन गया तो भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी के इस कुंड की महिमा बनाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने इस राधा कुंड में स्नान किया। अब जब श्री कृष्ण ने स्नान किया तो सारे तीर्थ उसमें आ गए। तो अब सखा कहने लगे कि अब तो राधा रानी के कुंड की महिमा बढ़ गई और कृष्ण कुंड को लोग भूल जाएंगे। तो राधा रानी का एक नाम है करुणामयी, दयामयी, कृपामयी। तो उन्होंने कहा कि हम कृष्ण और राधा अभिन्न है, एक है, अलग नहीं है, तो एक कुंड अलग अलग। तो उन्होंने दोनों कुंडों के बीच में जो दीवार थी उसमें फिर कंगन से प्रार किया, तो वहां से वो दीवार टूट गई और दोनों कुंड मिल गए। तो राधा कुंड श्याम कुंड दोनों एक है। और यह स्नान किया है कि सनातन धर्म में जैसे श्रावण मास भगवान शिव की पूजा का विशेष माह है, ऐसे ही भगवान विष्णु राधा कृष्ण की उपासना करने का सबसे प्रिय मास है कार्तिक मास। तो वैष्णव जन कार्तिक मास में कार्तिक नियम सेवा करते हैं, तो बहुत दूर दराज के वैष्णव यहाँ राधा कुंड में आते हैं, यही प्रवास करते हैं 40 दिन और नियम सेवा करते हैं, और वो फिर इसमें स्नान करते हैं। तो उनका भाव यह है कि अगर जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन, इसको अघोई अष्टमी बोलते हैं, उस दिन स्नान करेंगे तो राधा रानी की महती कृपा प्राप्त होगी। और भगवान शंकर ने राधा रानी को उपासना की है, राधा कृपा कटाक जो स्रोत है, मुनिंद बिंद बंदते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकज नितज बुलासी। अगर कोई भी भक्त इस राधा कुंड में और अष्टमी की रात्रि में, मध्य रात्रि में और नाभि तक जल में खड़ा होकर 108 बार अगर ये राधा कृपा कटाक का अगर कोई पाठ करता है तो उसको धर्म अर्थ काम मुख से भी ऊपर ज्यादा राधा रानी की कृपा मिलेगी और पुण्य प्राप्त होता है। तो ये यहाँ की महिमा है। आपके दर्शकों से हम कहेंगे कि आप एक बार अवश्य राधा कुंड में आए, स्नान करें और यहाँ का पुण्य प्राप्त करें। बोल राधा रानी की। बताइए सैकड़ों भक्त यहाँ पर आते हैं, अपने पति पत्नी यहाँ पर स्नान करते हैं, क्या संतान की प्राप्ति होती है? सैकड़ों नहीं, लाखों लोग आज स्नान कर रहे हैं, दंपत्ति, निसंतान दंपत्ति। तो राधा रानी जो है वो दयामयी है, और जो यहाँ खाली गोद आता है, सूनी गोद, और फिर यहाँ से वो उनको राधा रानी कृपा मिलती है और बहुत शीघ्र उनके घर में किलकारियां घुसती हैं। ऐसे बहुत से लोग छोटे नवजात बच्चे लेके आए जिन्होंने पिछले वर्ष डुबकी लगाई, उनके घर में संतान हुई, तो वो राधा रानी का आभार व्यक्त करने आए। राधे राधे, राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रहे ये सेवायत जो नंदगांव मंदिर की सेवायत है, और इन्होंने पूरी महिमा बताई, और जैसे बताया कि जिसकी
मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो बच्चे के साथ यहाँ पर आता है। और देखिए बच्चा भी यहाँ पर लेके आया पिछले साल। राधे 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 भैया, आपकी मनोकामना पूरी हुई? हाँ जी। आप पिछली बार आए थे? हाँ जी, मेरी मनोकामना पूरी हुई। बच्चे लेके क्यों आए यहाँ पर? मेरी मनोकामना पूरी हो गई इसलिए, बेटा मांगा था बेटा मिल गया। पिछली बार आए थे? हाँ जी। राधा रानी से आपने क्या मांगा था यहाँ पर? ये संतान मांगी थी? हाँ जी, संतान मांगी। राधे राधे, देखिए इनकी मनोकामना पूर्ण हुई है और स्नान करने बच्चे के साथ यहाँ पर आए हैं। और भी देखिए यहाँ पर भक्त हैं जो लाखों की संख्या में यहाँ पर स्नान करने के लिए आप आए। जिधर आप नजर डालेंगे उधर आपको यहाँ पर भक्त दिखाई देंगे और यहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई देंगे। और